गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है लिंग बदलो। स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम रीड करेंगे कि लिंग किसे कहते हैं या लिंग का अर्थ क्या होता है। लिंग, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो यानी पता चले उसे लिंग कहते हैं। बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी किसी भी चीज़ के नाम को संज्ञा कहते हैं। और जिस नाम से या जिस संज्ञा शब्द से हमें यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं। अब हम रीड करेंगे लिंग के प्रकार। पहला प्रकार है पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, बेटा आदि। दूसरा प्रकार है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, बेटी आदि। आइए अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, ये सभी शब्द हैं पुल्लिंग और ये सभी शब्द हैं स्त्रीलिंग। अब हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में चेंज करेंगे यानी बदलेंगे। देखो बच्चों, राजा शब्द है पुल्लिंग और राजा का स्त्रीलिंग होता है रानी। पिता, माता। दादा, दादी। नाना, नानी। भाई, बहन। पुत्र, पुत्री। शेर, शेरनी। मोर, मोरनी। नर, नारी। छात्र, छात्रा। बच्चों, आज आपने लिंग बदलो अपनी हिंदी की नोटबुक में राइट करनी है और लर्न करनी है। यही आज का आपका होमवर्क है। थैंक यू।